रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मीडिया से तमाम मुद्दों पर चर्चा की, जहां विजय शर्मा ने कहा कि थाना क्षेत्र मदेड़ में 8 लाख के इनामी नक्सली का एनकाउंटर कर जवानों ने मार गिराया है और 10 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया है। इसके साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम प्रधान योजना 4 माह से 11 सड़कों का काम पूरा किया जाएगा, वहीं 85 सड़कों को चिन्हित किया गया है जिसमें 40 सड़कों का निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। बीजापुर जिले में थाना मदेड़ में 8 लाख के नक्सली डीवीसी रैंक की मनीला पुनेम ये एनकाउंटर हुआ है, जवानों ने मार गिराया है। 1 लाख के एक है मिलिशिया सदस्य है मंगलू कुड़ियम, इनको भी जवानों ने मार गिराया है। इसके अतिरिक्त एक विशेष बात है कि 5 लाख के इनामी महिला नक्सली एसीएम है, एरिया कमेटी मेंबर की मेंबर है, बाहर से मुए ये वर्दी में पकड़ी गई है, तो वर्दी में होने के बाद भी उनको पकड़ा गया है और वो पुलिस के हिरासत में है। गिरफ्तार आत्मसमर्पण 10 लोगों ने और आत्मसमर्पण किया दंतेवाड़ा जिले में, और इस तरह कुल मैं आपसे कहूं तो मृत नक्सली 122 हैं अब तक नई सरकार बनने के बाद, आत्मसमर्पित 415 हैं और गिरफ्तार 423 हैं। ये आंकड़ा आत्मसमर्पित और गिरफ्तार आसपास है, और मैं उस शुभ दिन की प्रतीक्षा में हूँ जिस दिन आत्मसमर्पितों की संख्या ज्यादा होगी गिरफ्तारों से। आत्मसमर्पण के माध्यम से, पुनर्वास के माध्यम से नक्सल समस्या का समाधान होना चाहिए। इस दिशा में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के संकल्प को लेकर के मैं आपको स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ, विभिन्न आयामों में एक साथ इस पर काम चल रहा है। उनमें से एक विशेष बात जो आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने आपसे उस दिन भी स्पष्ट कहा था कि 257 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें जिसको पिछली सरकार ने बनाने की कोशिश नहीं की थी, और उसमें से विगत 4 माह में 11 सड़कों का काम पूर्ण किया गया, 11 सड़कों का काम पूर्ण किया गया है। इसके बाद 85 सड़कों को और चिन्हांकित किया गया है उसमें से, और 85 में से 40 सड़कों पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।